What's up everybody and welcome back to another video. तो मैंने अभी तक इस सीरीज में बहुत सारे खतरनाक चीजें मंगाई है, उनको ट्राई किया है। हमने आरसी कार्स मंगाए, हमने मेरे चाइल्डहुड के टॉयज मंगाए हैं, हमने आरसी प्लेन भी चलाया और हमने बहुत रिसेंटली बेब्लेड्स मंगाए थे और तुम लोग को बेब्लेड वाला वीडियो बहुत पसंद आया था। और इन वीडियो के बाद बहुत सारे लोग पोकेमॉन कमेंट कर रहे हैं कि रोनी यार तूने तो पोकेमॉन ने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, हमने पोकेमॉन ने कुछ देखा ही नहीं। तो इसलिए गाइस आज मैं डिसाइड किया है कि हम लोग कुछ पोकेमॉन ऑर्डर करने वाले। और भाई तुम्हें अगर तुम चाहते हो कि मैं अमेज़न से कुछ मंगाऊं तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। भाई कतई स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन जाके। और कुछ हरामी बच्चे होते हैं जो बोलते हैं अमेज़न से चड्डी मंगाओ, तो अगर तुम वो वाला हरामी बच्चा हो तो जाओ कमेंट सेक्शन में जाओ और चड्डी लिख के आओ, अपन अमेज़न से चड्डी मंगा लेंगे। मेरा अगर मन किया तो हम लोग अमेज़न से लेंडी भी मंगा लेंगे। लेंडी से याद आया, ए गोटिया है ना उधर तू? हाँ ओके। सो ऑलराइट गाइस, हम लोग आ चुके हैं अमेज़न के अंदर और अभी यहाँ पे हम लोग ट्राइब करने वाले हैं पोकेमॉन। ओके तो यहाँ पे पोकेमॉन क्या मिल रहा है? यहाँ पे पोकेमॉन कार्ड बाइंडर है, यहाँ पे ये कार्ड बूस्टर। यस मेरे को पिकाचू चाहिए, ये वाला मेरे को, ये पिकाचू चाहिए। एड टू कार्ट। ओके पोकेमॉन कार्ड। अबे साला यहाँ पे तो सिर्फ भर भर के पोकेमॉन कार्ड्स ही है। अब अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे पोकेमॉन कार्ड्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि पोकेमॉन का कार्ड आता है जिसको लोग खोलते हैं और उसके अंदर से कुछ तो कार्ड्स निकलता है। और मुझे गोटिया ने बताया था कि जो पोकेमॉन का कार्ड्स है वो अमेज़न पे तुमको फेक वाला मिलता है। तो मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं असली वाला कार्ड कहां से लेने का। तो गोटिया तेरे को अगर मालूम है तो एक डब्बा मंगा लेना पोकेमॉन कार्ड्स का। ओके सो ऑलराइट गाइस, पिछले आधे घंटे मैंने बहुत सारे चीजें ऑर्डर किए, कुछ अमेज़न से किए, कुछ फ्लिपकार्ट से किए, कुछ दूसरे वेबसाइट से किए और ये सारे चीजें बहुत टाइम लगने वाले इनको आने में। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ सब कुछ डिलीवर होने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो अपन ने पोकेमॉन के जितने भी सारे चीजें ऑर्डर किए थे सबके सब आकर डिलीवर हो चुका है और फाइनली सबसे आखिर में अपने पास आया है ये। और ये है पोकेमॉन का एलीट ट्रेनर बॉक्स और इसके अंदर पोकेमॉन के कार्ड्स होते हैं। और ये कार्ड्स के बारे में अगर सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो तुम लोग को ना गाइस आज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि जब मैं ये कार्ड्स खोलने वाला हूँ मुझे तुम लोग की बहुत ज्यादा मदद लगने वाली है। उससे मेरा क्या फायदा? पर उससे पहले हमने ये कार्ड्स के अलावा और भी बहुत सारे मस्त मस्त चीजें मंगाए है, तो सबसे पहले चल के उन चीजों को अनबॉक्स करते हैं। हमारे पास पोकेबॉल है, हमारे पास ये पिकाचू है, हमारे पास ये बहुत सारे पोकेमॉन्स है और हमारे पास ये भी है, ये मैंने आज तक कभी नहीं खोला है। तो ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस होगा इसके साथ और होपफुली मेरे को इससे मजा आएगा और होपफुली उससे भी ज्यादा तुम लोग को ये देखने मजा आएगा। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते इससे। ये है हमारा सबसे पहला पोकेबॉल जो जिसपे लिखा है टाइम टू गो, कहां जाना है, कहीं तो जाना है। और उसके पीछे यहाँ पर बना हुआ है चार्मेंडर जो पोकेबॉल के अंदर से सोता हुआ बाहर आ रहा है। अबे गाइस एक खुशखबरी है, मैं तुम लोग को बताना ही भूल गया। क्या? नहीं, जो तू सोच रहा है वो नहीं है गाइस। मैं लाइव स्ट्रीम वापस चालू कर रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम करना मिस कर रहा हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ मेंढक का चेहरा, मैं मिस कर रहा हूँ आशीर्वाद। भाई मैं लाइव स्ट्रीम वापस शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए लाइव स्ट्रीम करने के लिए मैंने एक नया चैनल खोला है जिस चैनल का नाम है रॉ रोनी और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। तो जल्दी लिंक पे क्लिक करो, जाओ चैनल पे सब्सक्राइब करो। और ना मेरे पास तुम लोग के लिए आज एक चैलेंज है, अगर आज के वीडियो में 20,000 कमेंट्स हो गए तो हमारा जो उस नए चैनल का पहला लाइव स्ट्रीम होगा हम उसको करेंगे कल। मतलब कल का डेट क्या गोटिया? फर्स्ट ऑफ सितंबर को। तो जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ, 20,000 कमेंट्स पूरे करो और मुझे कमेंट करके बताओ तुम कौन सा गेम चाहते हो मैं अपने पहले स्ट्रीम में कल खेलूं। जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। अब बढ़ते आगे। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा आज का सबसे पहला पोकेबॉल जिसको हम लोग खोलने वाले हैं। और इसके अंदर पर्पल कलर का पोकेबॉल है। भाई यूजुअली पोकेबॉल रेड कलर का होता है ना, आई डोंट नो, इस पे दिल बना हुआ है। तो अभी देखते हैं इस पोकेबॉल के अंदर से क्या बाहर निकलेगा। मैं तुम्हें चुनता हूं। कुछ तो निकला ना उधर गोटिया, क्या निकला? ये कौन सा पोकेमॉन है? ये पोकेमॉन पहली बार देख रहा हूं मैं लाइफ में। ऑलराइट गाइस, तो हमारे सबसे पहले पोकेबॉल के अंदर से निकला है ये वाला पोकेमॉन। और गाइस अगर तुम में से कोई जानता है ये कौन सा वाला पोकेमॉन है, ये कौन सा पोकेमॉन है, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ क्योंकि मेरे को तो नहीं पता है कौन सा वाला पोकेमॉन है। बट आगे बढ़ते हुए अगला हमारे पास है ये।
और ये भाई इतना बड़ा पैकेट है, इसके अंदर एक पोकेबॉल है, इसके अंदर तीन छोटे छोटे पोकेमोन के बच्चे हैं। तो इस डब्बे के अंदर यहाँ पर चार्मेंडर है, यहाँ पर म्यूटू है, और ये क्या है, ये मेरे को माचोम्प लग रहा है, और इसके मुंडी में खड्डा का ही को है। ओ यस यस, ये देखो ये देखो, ये जो पोकेमोन है ना, ये वो जमाने का पोकेमोन है जो मैंने देखा है। तो यहाँ पर ये चार्मेंडर, यहाँ पर ये चार्मेंडर का बड़ा भाई, यहाँ पर ये बल्बासोर, ये बल्बासोर का बड़ा भाई, आई थिंक ये चार्मेंडर है, ये चार मिलियन है, ये चारिजार्ड है, ये बल्बासोर है, ये आई थिंक ये विनासोर है, आई थिंक ये विनासोर है, और ये आइवासोर है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये मेरे को पता नहीं कौन सा कुत्ता सोर है ये, अरे ये था, अरे ये तो सांप का बच्चा, वो तो पोकेमोन था, मेरे को इसका मैं नाम भूल गया। और इसका नाम देखो, पोकेमोन मोन 3, मतलब एक पोकेमोन काफी नहीं था गाइस, ये एक पोकेमोन नहीं गाइस, इसके अंदर तीन पोकेमोन है और पैकेज का नाम है पोकेमोन मोन 3। ऑलराइट गाइस, तो चल के अनबॉक्स करते हैं पोकेमोन मोन 3। ओ बाय द वे गाइस, क्या तुम लोगों को मालूम है कि अपना जो ये वाला चैनल है वो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बस इतना करीब है, जिसका मतलब ये जो डायमंड प्ले बटन है वो लिटरली मेरे हाथ के ऊपर यहीं पर उड़ रहा है। तुमको क्या करने का, नीचे एक सब्सक्राइब बटन उसके पास जाना, उसको जोर से ऐसे के मारना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये जो प्ले बटन है फटाक से मेरे हाथ में गिर जाएगा। नाइस। और अगर गाइस तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी वीडियो को लाइक करो, आज की वीडियो पर लाइक गोल रखते हैं 50,000 लाइक्स का। ऑलराइट गाइस, इसको खोलेंगे ऐसे, और अरे कितना से रोटे पा रहा है, किधर किधर पा रहा है। ओके, अपन ने फाड़ के पोकेमोन मोहन 3 को खोल लिया है, और ऑलराइट यहाँ पर एक रस्सी दिया हुआ, पता नहीं इसे क्या कर देगा। यहाँ पर एक मस्त सा पोकेबॉल है, और ये पोकेबॉल खुलता है क्या? अच्छा ये ऐसा खुलता है, और इसको तुम ऐसे खोल सकते हो, और ये साले बंद हो जाता हाथ के ऊपर। बट इसके अंदर हमें मिला है एक बहुत ही गंदा सा चार्मेंडर, बहुत ही गंदा दिख रहा है ये चार्मेंडर, और ये है एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला म्यूटू। ओके, आई थिंक म्यूटू अच्छा दिख रहा है, बट चार्मेंडर को भी है क्या? और ये जो मेरे को माचोम लग रहा था, ये माचोम नहीं है, ये कोई तो चिड़िया है। बट गाइस क्या होता है तो आई थिंक अपने को इस पोकेमोन को लेने का है और उसको ऐसे अंदर डालने का है और फिर इसको ऐसे फेंकना है जिससे कुछ नहीं होगा ये बच्चों का खिलौना है कि क्या है, क्या करना है इसका? गाइस आई थिंक सो, हमें इसको ऐसे डाल देना है और इसको ऐसे बंद करना है, और अभी अगर मैं इसको ऐसे नीचे फेंकू तो कुछ नहीं होने वाला। इसको एक बार फेंक के देखते हैं। ओके, इसको कुछ करना है, कैसे घुमाना है, मेरा कुछ है क्या इसको? पता नहीं क्या होता है वो। नाइस, कोटिया इधर आवाज नहीं करने का। आई थिंक मेरे को समझ में आ गया है कि इसको कैसा यूज करने का। उधर देख, चार मिनट बैठा है, चार मिनट अब भी ना पता क्या करने का। इधर देखा, इधर देख, ये देखे देख, ये पोके बोले ना, को ऐसा खोल देगा ऐसा। अब क्या करने का, अपने को चार मिनट को पकड़ने में, ठीक है? वो चार मिनट को मालूम नहीं पकड़ने में आ रहा है, सुमड़ी में। ओके रेडी, 3, 2, 1। गाइस मैंने चार मिनट को पकड़ लिया। ए अंदर जा, मैंने गाइस मेरा लाइफ का पहला पोकेमोन पकड़ लिया, चार्मेंडर। अब गाइस अपन चार्मेंडर को चुनेंगे, तो चार्मेंडर मैं तुम्हें चुनता हूं। थोड़ा ज्यादा चुन लिया मैं चार्मेंडर, ये चला गया चार्मेंडर, कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको पकड़ेंगे। ऑलराइट, 3, 2, 1 पकड़ो। बहुत शातिर पोकेमोन है, बच गया, फिर पकड़ेंगे, टेंशन मत लो। ओके, 3, 2, 1 पकड़। ओह यस, मैंने मेरे लाइफ का दूसरा पोकेमोन भी पकड़ लिया है, और ये मुझे इसका नाम नहीं पता क्या है, तो मैं इसको नीलामोन बुलाऊंगा। ऑलराइट नीलामोन, मैं तुम्हें चुनता हूं। चला गया, गया चार्मेंडर और नीलामोन दोनों गए। Alright guys, तो अगला हमारे पास है थैला भर के पोकेमोन। मेरे को ये देख के बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत सारे ऐसे पोकेमोन दिखे तो मैंने मंगा लिया। Alright, देखते हैं खोल के इसमें कितने सारे पोकेमोन है, इनमें से कितनों के नाम मैं जानता हूँ। आज अपन ये ट्राई करने वाले, इसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, इसको मैं देखा है, इसको मैं पहचानता हूँ, पर मैं नाम नहीं जानता हूँ, इसका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ। अरे ये तो वो है, अरे इसका नाम मुझे याद है, अरे वो क्या है, वो बटरफ्लाई बनता है, अरे यार इसका नाम भूल गया मैं।
अरे यार आई थिंक मेरे को पोकेडेक्स की जरूरत है। तो गाइस मुझे पोकेमोन के नाम तो नहीं पता बट मैंने अभी मेरे फोन में एक पोकेडेक्स ऐप डाउनलोड कर लिया है और ये पोकेडेक्स ऐप में तुम कैमरा चला के कोई भी पोकेमोन स्कैन कर सकते हो और ये बता देगा कौन सा पोकेमोन है। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर ट्राई करेंगे पिकाचू का फोटो दिखाकर। और इसने बता दिया ये पिकाचू है, इसने डायरेक्टली बता दिया पिकाचू है। तो आई थिंक सो इस ऐप की मदद से मैं सारे पोकेमोन को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो ये अपना पहला पोकेमोन, ये कौन सा पोकेमोन है? थोड़ा गलत बताया इसने। क्या ये इस वाले पोकेमोन को बता पाएगा? कैसा नाउटेल सही है? कौन सा तेरे को, कैसा तेरे को नाउटेल दिख रहा है इसमें? क्या ये इस वाले पोकेमोन को आइडेंटिफाई कर पाएगा? सेम लग रहा है बट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मेरे को उसका एक्चुअल नाम नहीं पता। ये आई थिंक साइथर है ना, ये ग्रीन कलर का आता था याद है? उस किशोर है। आई थिंक ये पहले वाले पोकेमोन में था शायद से, आई थिंक सो, या दूसरे वाले में था, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये वाइलेंट है, ये पोकेडेक्स का एक्चुअली बता रहा है यार, ये फर्स्ट पोकेडेक्स के भाई। ये क्या पोकेमोन है अभी? अबे इसको विनसोर बुला दिया, ये विनसोर नहीं है। ये वाला कौन सा पोकेमोन है? हकता बहुत है ये पोकेडेक्स, हकता बहुत है। मेरे को डॉक्टर ओक का पोकेडेक्स चाहिए, ये बहुत हकता है। ओके ये कौन सा है? ये आई थिंक सो गैस्ली है मेरे को जहां तक लग रहा है, आई थिंक सो। थोड़ा हगोड़ा है, फिर से स्कैन करते हैं देखते हैं। टोगे पी बुला दिया भाई, ये टोगे पी थोड़ी ना यार। क्या ये माचोम को ट्रैक कर पाएगा? अलका सैम है ये, माचोम नहीं है, अलका सैम है ये। बहुत ही ज्यादा हगोड़ा पोक, तुमसे ना हो पाएगा। अब इसको नाइनटेल बुला दिया इसने। ओ ये तो जिंक्स है, मेरे को इसका नाम पता है। होप सो ये इसको ट्रैक कर पाएगा। जिंक्स को ट्रैक कर लिया, मतलब मेरे को लग रहा है ये पोकेडेक्स उन लोग के नाम बता पा रहा है जिन लोग के नाम मैं जानता हूँ। ओके ये कौन सा है? ये तो चार्मेंडर है। ओके चार्मेंडर बता दिया। यहाँ पर ये रहा वीनसोर, नहीं बल्बासोर, आइवासोर, क्या था उसके ऊपर? ये बल्बासोर का ही नहीं, ये तो स्क्वाटल का है, तो ब्लास्टोइज है। ओके आइवासोर बता दिया इसने। अब बोला ना ये कौन सा पोकेमोन है? ये बहुत हकता है गाइस, पर अगले वाले की तरफ। सो गाइस अगला हमारे पास है पिकाचू, और ये है पिकाचू का बॉबल हेड। तो इसका मुंडी ऐसा 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 हिलता है, तो लोग इसको गाड़ी में रखते हैं ताकि गाड़ी चलते चलते इसका मुंडी ऐसा 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 हिलता रहे। तो इसको खोल के निकालते हैं, क्या इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहले है अपना पिकाचू। अरे कितना प्यारा लग रहा है पिकाचू। तो पिकाचू के अलावा यहाँ पर एक स्टैंड दिया हुआ जिसपे एक्चुअली पोकेमोन का लोगो है, और थैंकफुली इस पे पोकेमोन मोन 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 नहीं लिखा हुआ है, इस पे इज्जत से पोकेमोन लिख के दिया है। और इसके अंदर एक डबल साइडेड टेप है जिसको लोग यूज करते हैं गाड़ी में लगाने के लिए। तो ये रहा अपना बेस, और ये रहा अपना पिकाचू जिसका मुंडी ऐसा 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 गोल 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 हिल सकता है। थोड़ा थोड़ा ज्यादा मुंडी हिल गया, सॉरी। और इस पिकाचू क्या है भाई, सारे पोकेमोन के छेद क्यों कर रखे हैं भाई? ये क्या चल रहे पोकेमोन के मार्केट में भाई? तो आपने को इस पिकाचू को लेना है और हमें इसको लेना है, और भाई नहीं जा रहा है बे। अबे यार क्या हो रहा है भाई, पोकेमोन के धंधे में क्या चल रहा है ये सब? तो रुके इसको गरपन ऐसा। ओके लग गया अपना पिकाचू उसके बेस पर लग चुका है। तो आई थिंक सो ये मेरे को बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो आई थिंक मैं इसको मेरे डेस्क पे रखने वाला हूँ। बटिया डेस्क पे रख इसको, अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। सो अगला गाइस अपने पास है ये, और ये है, अबे एक सेकेंड, ये म्यूटू है। तो ये आई थिंक म्यू होगा। साला मैं कब से इसको म्यूटू म्यूटू बुला रहा हूँ, ये म्यूटू भी नहीं है, ये तो म्यू है। ऑलराइट गाइस चल के हम लोग अनबॉक्स करते हैं ये पोकेमोन वाला कीचेन। और ये आई थिंक मेरे को अभी तक जितने पैकेज मिले उसमें सबसे पहला पैकेज है जो एक्चुअली इज्जत से, मतलब प्रॉपरली सील पैक्ड है। ऑलराइट म्यूटू का कीचेन खोलते हैं, और इसके अंदर एक पोकी बॉल है, और पोकी बॉल के अंदर म्यूटू है। ओ नहीं म्यूटू ऐसा अलग है, म्यूटू यहाँ पर ऐसा अलग है, मतलब अगर मैं चाहता हूँ तो मैं सिर्फ म्यूटू को चाबी में लगा सकता हूँ, बट यहाँ पर इन्होंने एक पोकी बॉल भी दिया हुआ है। और अंदर कुछ ऐसे किताब में, ओ भाई इतना बड़ा किताब ये नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, ये किताब विताब दिया हुआ है। यहाँ पर एक पोकी बॉल है, और गाइस मेरे को नहीं देखना है, तुम लोग देख के बताओ। गोटिया है इसमें भी, क्या चल रहा है पोकेमोन में यार? अरे पोकेमोन भाई देखो, मुझे रियलिस्टिक पोकेमोन चाहिए, और ये इतना रियलिस्टिक पोकेमोन मेरे को नहीं चाहिए यार, ये कुछ ज्यादा रियलिस्टिक हो गया यार। ओके सो आई थिंक सो अपने को म्यूटू को भी, क्या कर रहा हूं मैं
भाई मैं शांति से पोकेमोन मंगा रहा था, ये क्या आ गए सब मेरे पास। आई थिंक इसका चेन यहाँ से बाहर निकलेगा और इसको हम लोग ऐसे बंद कर सकते हैं। तो हमारे पास म्यूटू एक पोकेबॉल के अंदर है और बहुत अच्छे कंडीशन में। क्या है भाई यार, क्या हो रहा है ये पोकेबॉल के साथ, क्या हो रहा है सब पोकेबॉल के साथ। ऑलराइट गाइस, तो अगला अपने पास है एक और पोकेबॉल और आई थिंक सो ये वाला पोकेबॉल थोड़ा बेटर क्वालिटी का है। तो ये पोकेबॉल एक्चुअली पोकेबॉल के कलर का है, रेड और व्हाइट कलर का, जो पोकेबॉल हम लोग जानते हैं। मैं जानता हूँ, तुम लोग शायद से और भी पोकेबॉल जानते होंगे, अलग लाल पीले नीले हरे, बट ये रहा एक खतरनाक सा पोकेबॉल। और इस पोकेबॉल के अंदर इसके अंदर पिकाचू है। तो अगर हम लोग इसको ऐसा खोले तो इसके अंदर से पिकाचू बाहर आएगा। ये पिकाचू यार एक्चुअली बहुत मस्त क्वालिटी का है। शिट बे, ये पिकाचू एक्चुअली बहुत अच्छे क्वालिटी का है। एटलीस्ट ये लोगों ने प्रीफिट करके दिया है, हमको डालने नहीं बोला। बट गाइस, ये पोकेबॉल का सबसे खतरनाक फीचर है कि इस पोकेबॉल के अंदर तुम ऐसे अपने पोकेमोन को रख के इसको इस तरह से बंद कर सकते हो प्रॉपरली, और ये हो गया अपना पोकेबॉल बंद। और अभी अगर मुझे इस पोकेबॉल को खोलना है, मुझे उसको लेना है और ऐसे बस फेंकना है, और ये नहीं खुला। टेक टू, पोकेबॉल को लेना है और ऐसे फेंकना है। एक साइड कैसा खुला रहा इसका, सिर्फ पूरा खुलना चाहिए था। एक और ट्राई, टेक थ्री, टेक थ्री, इसको लेना अपने को, इसको ऐसे फेंकना है और आई थिंक पिकाचू को बाहर नहीं आना है गाइस। तो अगर अपन इसको लेते और इसको लेके ऐसे उड़ाते और ओ पिकाचू बाहर आ गया, उड़ के पिकाचू उड़ के बाहर आ गया। और गाइस पता है एक्चुअली क्या है, ये पोकेबॉल के अंदर ना एक छोटा सा गेम है। अगर ये पोकेबॉल को तुम देखोगे या उसको तुम फेंकोगे खुलता है, इसके अंदर ना एक साइड ऊपर आएगा और हर एक साइड में ना एक एक स्टार है। बेसिकली इस पोकेबॉल को तुम अपने दोस्तों के साथ फेंक सकते हो और तुम में से किसका सबसे ज्यादा स्टार आ रहा है वो ये गेम जीत रहा है। कोटिया खेलेगा। ओके अबे देख, इसको अपने को इस पे फेंकना है, ये ना ये बटन ऐसा प्रेस होना चाहिए तभी ये खुलेगा जाके ये। ओके तो पिकाचू मैं तुम्हें चुनता हूं। मुझे क्यों तोड़ा, थोड़ा ज्यादा पिकाचू चुन लिया मैंने, बहुत दूर चला गया पोकेबॉल। कितना स्टार आया गोटिया, एक स्टार। छी भाई यार, सिर्फ एक स्टार आया यार, गोटिया तो ऐसे ही फेंक के जीत जाएगा। ऑलराइट गोटिया चालू कर, ये बटन ऐसा नीचे अपटना चाहिए तभी खुलेगा, ऐसा अपट। ओ ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं हमारे पोकेमोन कार्ड्स के तरफ। ऑलराइट गाइस, तो भी आखिर में हमारे पास है ये, और ये है पोकेमोन क्राउन जेनिथ ट्रेनर कार्ड बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर बेसिकली बहुत सारे पोकेमोन कार्ड्स होते हैं और इन कार्ड्स का अलग अलग वैल्यू होता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को पोकेमोन कार्ड्स खोलते देखा है, पर मैंने आज तक पर्सनली कभी नहीं खोला, तो मुझे पता नहीं ये क्या होता है, इसके अंदर कैसे होता है, क्या चीज होता है। पर अगर तुम लोगों को पता है तो मुझे यार प्लीज कमेंट करके बताओ, तो मुझे भी थोड़ा मालूम पड़े क्या होता है। तो इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। और सच्ची बताओ तो मैंने लोगों के वीडियो देखे और मैं देखा है कि उन लोगों ने कुछ बहुत खतरनाक मिलता है, हीड़े रहता है भाई, ओ भाई क्या मिल गया। और मुझे अगर कुछ बहुत खतरनाक मिला तो मेरे को पता भी नहीं होगा मुझे बहुत खतरनाक मिला, मेरे को लगा भाई बस नॉर्मल सा कुछ तो मिला है। ऑलराइट, तो इसको बाहर निकालने पे सबसे पहले यहाँ पर आई थिंक सो एक किताब दिया हुआ है, ये रहा प्लेयर्स गाइड, और इसके अंदर यहाँ पे अपने को ये सारे कार्ड मिल सकते हैं। और आई डोंट नो इनमें सबसे ज्यादा रेयर और खतरनाक कार्ड कौन सा है, तो तुम लोग को गाइड मुझे हेल्प करना है, तुम लोग को मुझे बताना है कि मुझे जो कार्ड मिला है वो कार्ड का कुछ वैल्यू है कि नहीं है, वो कार्ड ओपी है कि नहीं है, और अगर मुझे गू कार्ड मिला तो वो भी तुमको बताना है मुझे। तो एनीवे, चल के डब्बे को खोलते और देखते हैं डब्बे के अंदर क्या है। डब्बे के अंदर यहाँ पर सबसे पहले ये क्या चीज है, ये कुछ तो वी स्टार लिखा हुआ है, आई थिंक ये स्टिकर है, इसको स्टिक कर सकते हैं, और आई थिंक ये दोनों भी स्टिकर्स है, तो आई थिंक हम लोग इन सबको स्टिकर की तरह लगा सकते कहीं तो। और उसके अलावा अंदर यहाँ पर बहुत सारी गोटियां है, मेरे पास यहाँ पर कैमरा के पीछे गोटियां है, और इस पैकेट के अंदर मुझे बहुत सारे गोटियां निकले, एक गोटिया अनेक गोटियां। नाइस गाइस, वीडियो को लाइक करो फॉर द एपिक जोक। ऑलराइट गाइस, अभी देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो इसको निकालते बाहर, ओ शिट, इसके अंदर ये सारे चीज है, ये मेरे को पता नहीं क्या है, इसमें ऐसे एनर्जी एनर्जी लिखा हुआ है, बट मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं लोगों ने इस कार्ड को इग्नोर मारा है, लोगों ने इसको सीधा साइड में फेंक दिया है, पर मुझे देखना है कि इसके अंदर होता क्या है। इसके अंदर ये सारे एनर्जी कार्ड है और मुझे नहीं पता एनर्जी कार्ड से होता क्या है, अलग अलग एनर्जी है, आग है यहाँ पे, आंख है यहाँ पे, हाथ है यहाँ पे, बिजली है यहाँ, पत्ता है यहाँ पर, एक और अलग आंख है। और अगला अपने पास है ये वाले, मेरे को नहीं पता क्या है, ये इधर ब्लू है इधर पिंक है। नाइस गाइस, मेरे को तुम लोग बहुत गाली देने वालों को, मेरे को लिटरली नहीं पता ये चीज क्या है। तो इसके अंदर ये भी है, ये क्या है,
ये ऐसे गोल्डन गोल्डन चमकीले चमकीले ये क्या चीजें हैं? ये क्या है? क्या ये स्टिकर है? अबे नहीं, स्टिकर नहीं है। ओ अच्छा समझा, आई थिंक सो। इसके अंदर हम लोग कार्ड रख सकते हैं, तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे, तो इसके अंदर हम लोग कार्ड को रख सकते हैं। और अभी बढ़ते हैं इसके तरफ। यहाँ पर ये क्या है? ओ, ये कुछ तो मस्त चमकीला चमकीला सा कार्ड लग रहा है देख के। ये कार्ड अच्छा दिख रहा है, तो इस कार्ड को अपन ऐसे निकाल सकते हैं। बोटे क्या तेरे को पता है ये कार्ड का कुछ वैल्यू है, वर्थ है कि नहीं है? तू भी उड़ा है। वेरी गुड, ऑल राइट। तो ये कार्ड अपन निकालेंगे और इस कार्ड को हम लोग इसके अंदर भर देंगे। कार्ड को हम लोग इसके अंदर ऐसे मस्त वाला संभाल के रख सकते हैं। और ये कार्ड एक्चुअली अच्छा चमकीला सा कार्ड लग रहा है। मतलब मैंने जितने वीडियोस देखे, ये जो पैकेट्स होते हैं, ये पैकेट में सबसे पहले स्टार्टिंग में ना इसमें जो चार कार्ड होता है उसको निकालना है, उसको पीछे डालना है। और हमें स्टार्टिंग के जो चार कार्ड आएंगे वो गू वाले कार्ड आएंगे, और लास्ट के जो दो कार्ड होते हैं वो कार्ड अच्छे होते हैं। और आई थिंक जो अच्छे कार्ड होते हैं वो तो चमकीले कार्ड होते हैं, बिल्कुल इस वाले की तरह। ऑल राइट गाइस, तो ये रहे हमारे 10 कार्ड के पैक्स, और अभी हम लोग इनको खोलने वाले और देखने वाले कि इसके अंदर से क्या निकलने वाला है। ऑल राइट, तो ये रहा अपना सबसे पहला कार्ड का सेट, और इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलेगा। ओके, और मैंने जितने भी YouTube वीडियो देखे, लोगों ने क्या किया है, लोगों ने सबसे पहले ऐसे लिया है, ये दिखा दिया है, तो ये कोड तुम लोग को रिडीम कर, तुम लोग कर सकते हो। मेरे को नहीं पता है कोड से क्या होता है, बट सब लोग दिखा रहे हैं तो मैं भी दिखा रहा हूँ। ये देखो कोड, ये लो तुम्हारा कोड, देखो। ऑल राइट, तो अभी क्या करने का, सबसे पहले यहाँ से 1, 2, 3, 4 कार्ड को लेने का, उसको पीछे डालने का। ये मेरे को नहीं आता, मैं सीखा है। अभी इन कार्ड को पीछे करने का, और पीछे करने के बाद यहाँ पे आई थिंक पहले थोड़े से गू कार्ड आते हैं। ये वाला भी गू कार्ड है, मतलब मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है ऐसे चमकीला कार्ड होगा तो समझो कि अच्छा कार्ड है। ओके, ये है रेयर कैंडी, ये है कार्निवाइन, ये है एरन, ये है राइलू, ये है स्टारली, ये है साइथर। मेरे को साइथर पता है, मेरे को साइथर पता है, साइथर अपने पोकेमोन में था। ये इमोल्गा, और ये रहा चमकीला चमकीला सील, और उसके नीचे एब्सोल। ओके, आई थिंक ये कार्ड्स कुछ खास कार्ड्स नहीं है। मेरे को लग रहा है गोटिया, मेरे को ना एक बार ना ये हैंडबुक थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो अगर अपन इसके अंदर देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक्चुअली दिया हुआ है कि कौन से कार्ड का क्या मतलब है। तो ये कार्ड में क्या आइकॉन है, समझ नहीं आया कैसे कार्ड अच्छा है कि नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता ये कार्ड अच्छा है कि नहीं है, मैं कार्ड को कैसे समझू। ऑल राइट गाइस, तो इन कार्ड्स को खोलते टाइम मेरे को समझा नहीं इन कार्ड्स का मतलब क्या है, बट देन मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा और अब मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि कार्ड का मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है, अगर नीचे यहाँ पर कोने में एक डायमंड बना हुआ है तो उसका मतलब ये अनकॉमन कार्ड है, अगर यहाँ पे सर्कल बना है तो कॉमन कार्ड है, रेयर कार्ड है। मैं क्या बता, तुम लोग ऑलरेडी पता है कि इसका मतलब क्या है। तो मुझे अभी जितने भी सारे कार्ड्स मिले उनमें से ये वाला जो कार्ड है इसमें एक स्टार है, और ये आई थिंक एक रेयर कार्ड है। और इस कार्ड को अगर अपन लोग यहाँ पर सर्च करें तो ये कार्ड रहा ये वाला, जो कि एक ये आइकन है, और इसका मतलब ये है होलो रेयर। और ये वाला जो सील का कार्ड है, और ये वाला एक कॉमन कार्ड है। भाई कॉमन कार्ड से चमकीला, मेरे को लगा कि इतना बस कार्ड होगा। तो ये अपने को एक बहुत खतरनाक वाला कार्ड मिला है। मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं वो कार्ड इतना खतरनाक है भी कि नहीं है, बट मेरे को लग रहा है वो खतरनाक वाला कार्ड है। तो इस कार्ड को भी अपन ऐसा मस्त वाला इसके अंदर डाल के ऐसे रखने वाले। ऑल राइट, ये रहे अपने दो कार्ड्स। ऑल राइट गाइस, तो अपन खोलने वाले अपना अगला वाला पैकेट और देखते हैं कि इस पैकेट से कुछ अच्छा खतरनाक ओपी वाला कार्ड निकलेगा या नहीं। तो सबसे पहले ये वाला प्रोमो कोड तुम लोग देख सकते हो, और 1, 2, 3 और व्हाट, ये क्या है? ये पहली बार कार्ड देख रहा हूं मैं इसके अंदर। यार इस पैक के अंदर इतनी सारी चीजें, मतलब भी नहीं पता क्या क्या होता है। मतलब इन सबको समझने में और जानने में जमानो निकलने वाले मेरे। ऑल राइट, तो अभी चल के ये वाले कार्ड को देखते हैं। यहाँ पर अपने को एक स्टार मिला है, स्टार अनकॉमन है और उसके आगे रेयर है। तो ऑल राइट, ये रहा अनकॉमन, ये रहा एक और अनकॉमन, ये रहा एक और अनकॉमन। भाई कितने लगातार अनकॉमन मिले। ओके, ये कॉमन कार्ड है, ये कॉमन कार्ड है, ये कॉमन कार्ड है, ये भी कॉमन कार्ड है, ये भी कॉमन कार्ड है, और ये यहाँ पर अपने को एक स्टार वाला एक ये रेयर कार्ड मिला है, और इसके नीचे मेरे को दोनों सेम कार्ड मिले। भाई एक कार्ड चमकता है, एक कार्ड नहीं चमकता है, बट दोनों प्रैक्टिकली मेरे को सेम कार्ड मिले। ऑलराइट गाइस, अगला पैकेट खोलने वाले हैं और इसके अंदर क्या निकलेगा। सबसे पहले ये वाला कार्ड, इसमें प्रोमो कोड है 1, 2, 3, 4, इसको पीछे करना है और अभी खोलना चालू करते। सबसे पहले एनर्जी, फिर ये अनकॉमन अल्ट्रा बॉल, ये भाई एक और अनकॉमन, ये एक और अनकॉमन, ये यहाँ पर एक गोल वाला वुलू। ए वुलू मिला था मेरे को अभी थोड़ी देर पहले ना, आई थिंक लास्ट कार्ड में वुलू था। ओके, ये वाला भी है, ये पंचम, ये स्टोरनट, क्या ये स्नोर स्नोरंट,
स्नोरेंट। थोड़े पोकेमोन के नाम अजीब होते हैं यार, स्नोरेंट। ऑलराइट, रॉकरफ जो भी एक कॉमन कार्ड है। और ये एक भाई चमकीला रेडिएंट चारिज़ार्ड। भाई भाई मेरे को ये कार्ड बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है, मेरे को पता भी नहीं ये कार्ड ओपी है कि नहीं है, पर भाई क्या मस्त दिख रहा है। ये एक चमकीला रेडिएंट चारिज़ार्ड है और इस पे एक सिल्वर कलर का स्टार बना हुआ है। भाई मेरे को देखना है। और इसके बाद यहाँ पर यार ये वाला भी गू निकला यार, मेरे को सारे गू कार्ड क्यों मिल रहे हैं, मेरे को देखना है ये वाला कार्ड कौन सा कार्ड है। और ये रहा वो कार्ड, ये स्टार और RAD लिखा हुआ है, जिसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है रेडिएंट रेयर। ओ भाई अपने को रेडिएंट रेयर कार्ड मिला। मेरे को पता नहीं ये कार्ड बहुत ओपी है कि नहीं है, बट मेरे को देख के बहुत ओपी लग रहा है। तो भाई देखो अपना सिंपल रूल है, हर कार्ड जो चमकता है उस कार्ड को अपन ऐसे इसके अंदर भर के रखने वाले, हर चमकीले कार्ड को इसके अंदर भर के रखने वाले। और यार गाइस जो कार्ड नहीं चमक रहा है उन सारे कार्ड को मैं यहाँ पर ऐसे एक साथ झुंड में रखने वाला हूँ। और यार गाइस अगला वाला पैकेट, इससे क्या निकलेगा, इससे सबसे स्टार्टिंग में अपने को इधर पंचम दिख रहा है। ओके ये कार्ड है, इस पे प्रोमो कोड है और 1 2 3 4 ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एनर्जी, दूसरा पोकेमोन कैचर, तीसरा ग्रैवलर, चौथा बिशार्प, ये पॉपस पंचम, फिर उसके बाद ट्रेनर स्विच। भाई ये स्टार्टिंग के जो 5-6 कार्ड होते हैं ना, ये सारे कार्ड मतलब यूजलेस है, बस इसको ऐसे ही घुमाते रहना है, बस लास्ट के 2 कार्ड अच्छे रहते, इतना मेरे को पता है। तो आ जाओ गाइस चल के लास्ट के 2 आखिरी अच्छे कार्ड निकालते हैं। ये वाला भी ओके है, ये लार्वेस्टा, ये टैंजेला, और ये मेरे को मिला भाई चमकीला साइथर। भाई मुझे चमकीला साइथर मिला यार, और ये लिटरली बस ऐसा कॉमन कार्ड है यार, मेरे को चमकीला कॉमन कार्ड क्यों मिल रहा है यार। बट उसके नीचे क्या है, उसके नीचे है एक स्टार वाला स्नोरलैक्स। गाइस मेरा नसीब पबजी मोबाइल में भी खराब था, मेरा नसीब इधर भी खराब है। लिटरली पबजी के अंदर डब्बा खोला निकला गू, यहाँ पर पैकेट खोला निकला गू, हर जगह गू ही निकल रहा है। ऑलराइट गाइस अगला पैकेट, इसके अंदर से तो कुछ अच्छा निकल जाए यार प्लीज, इसके अंदर से तो कुछ अच्छा निकल जा। ओके ये रहा कोड, और 1 2 3 4 इसको अंदर डाल देंगे और अब चालू करते। ये रहा एनर्जी, ये रहा भाई जिराफ है, ये रहा कार्निवाइन, ये रहा सेलेजल, ये रहा टेंजेला, ये म्यूटू एनर्जी रिवाइवल। भाई ये कार्ड बहुत मस्त लग रहा है, मर्सीलेस ब्लेड। भाई ये कार्ड बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, और ये एक स्टार है सिर्फ यहाँ पर, और इसके नीचे भाई इसके नीचे भाई इतने सारे गू कार्ड के पैकेट में से पहले पैकेट के अंदर 2 इतने खतरनाक वाले कार्ड्स निकले। मेरे को देखना है कौन से कार्ड्स है। भाई तो ये वाला कार्ड है, और ये भाई कार्ड दिख इतना अच्छा रहा है, बड़े कार्ड लिटरली ऐसे सादा सा कार्ड है। बट एक सेकेंड, उन्हें मुझे ये मिला है, हाँ मुझे ये मिला है, ये वी स्टार कार्ड है, वी स्टार पता नहीं क्या होता है बट ये वी स्टार कार्ड है। और ये वाला कार्ड क्या है, तो यूजुअली ये कार्ड पे एक नंबर होता है और उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें कार्ड को ढूंढना पड़ता है, तो ये वाला कार्ड नंबर के हिसाब से यहाँ पर है। ये वाले कार्ड में नंबर ही नहीं है, इस पे सिर्फ GG52 और एक GG57 लिखा हुआ है। ओ ये वाला कार्ड है भाई, ये स्टार गू कार्ड है। क्या बोला तूने, कोटिया मेरे को स्टार गू कार्ड मिला। ये गू वाले का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा होगा भाई, यहाँ पे लिखा है गैलेरियन गैलेरी अल्ट्रा रेयर। भाई मेरे को अल्ट्रा रेयर गू कार्ड मिला, मेरे को अल्ट्रा रेयर गू कार्ड मिल गया भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे को गू कार्ड मिलेगा। यार मेरे को लग रहा है ये कार्ड बहुत एक्सपेंसिव है, गोटिया है ना, आई थिंक सो ये कार्ड बहुत महंगा रहेगा। अरे भाई ये तो खतरनाक वाला कार्ड निकला। ओ शिट भाई ये कार्ड को तो भाई मैं डबल ट्रिपल थैली भर के रखूंगा। ओ भाई भाई गू कार्ड निकला, गू कार्ड भाई पिछले 2-3 पैकेट में लिटरली गू पे गू कार्ड निकले, और वो वर्थ था यार, ये वाला क्या मस्त कार्ड है, ये कार्ड एक अच्छा शिट एक सेकंड, वो कार्ड गू थे, ये कार्ड गू है, नहीं यार शिट ये क्या था, GGU था, GGU था ना, वो क्या GGU मतलब ये गुगू कार्ड है, वो सारे गुगू कार्ड थे, ये मेरा गुगू कार्ड निकला, नाइस आई लाइक गुगू कार्ड। यार मेरे को अभी और गुगू कार्ड चाहिए। ओके इसके अंदर सबसे पहले बाल्टो है और अभी इधर प्रोमो कोड दिखाने का है, प्रोमो कोड, और 1 2 3 4 चार कार्ड को लेने का, पीछे डालने का, और ये कार्ड गाइस पॉसिबली अगला गुगू कार्ड हो सकता है। तो ये रहा एनर्जी, ये रहा रेस्क्यू कैरियर, ये रहा पिन कुर्चिन, ये रहा अल्ट्रा बॉल, ये रहा बाल्टोए, ये रहा म्यूथ, ये रहा वेलमियर, ये है शिंग्स, ये है कॉरफिश। मेरे को नहीं पता इसका वर्थ क्या है, मेरे को नहीं पता ये कौन सा कार्ड है, पर यहाँ पे नीचे GG30 लिखा हुआ है और इस पे एक स्टार भी है। बट एक सेकंड गोटा, इसके नीचे कौन सा है, इसके नीचे कौन सा है, इसके नीचे कौन सा है।
ओके इसके साथा वाला है ये, मेरे को गुगू कार्ड नहीं लग रहा है, ये 097 है भाई, किताब किधर है, बुक निकालो। ये रहा भाई, ये गुगू कार्ड नहीं है, ये GGH कार्ड है। GGH कार्ड क्या होता है? GGH गैलेरियन गैलरी होलो रेयर, मतलब ये गुगू से थोड़ा सा कम है, बट भाई ये है बहुत रेयर कार्ड। शिट भाई क्या नसीब चल रहा है, इतने सारे रेयर कार्ड कहां से भर आ रहे हैं अचानक से। ओ भाई गाइस, तो अगर तुम लोगों को पता है इन कार्ड्स का वर्थ क्या है, ये कार्ड बहुत खतरनाक है कि नहीं है, तो यार प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ऑलराइट गाइस, अगला पैकेट, इससे क्या निकलेगा? ओके इसके अंदर सेम करना है, पीछे से तुम लोगों को कोड दिखाना है, कोड देख लो, और फिर 1 2 3 4 जाएगा पीछे, और फिर यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी, रेस्क्यू कैरियर, लूनाटोन, बिशार्प, लार्वेस्टा, ये क्या है, पाउनियर्ड, ये है वेलमर, पोकेबॉल, कॉर्पिश, और ये क्या है भाई, ये ट्रेनर कार्ड है, उस पे साइन है किसी का, ये रायहान ट्रेनर कार्ड है, और इसके नीचे क्या भाई, ये कार्ड कितना खतरनाक दिख रहा है भाई, ये 4000 का कार्ड है भाई, मेरे को देखना ये दोनों कौन से कार्ड है। ये रहा सबसे पहला कार्ड जो कि सिर्फ एक रेयर कार्ड है, तो ओके, बट ये कार्ड दिख बहुत कूल रहा है, सच्ची यार ये कार्ड ऑनेस्टली बहुत कूल दिख रहा है, और उसके नीचे ये रायहान, आई थिंक सो ये ट्रेनर कार्ड सारे एंड में थे। ये रहा ट्रेनर कार्ड, और ये एक स्टार होलो कार्ड है, तो ये देखेंगे तो स्टार होलो, आई थिंक सो ये एक रेयर होलो कार्ड है, यस ये होलो रेयर कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड बहुत मस्त है। ऑलराइट गाइस, अगला कार्ड, और इसके अंदर से क्या निकलेगा? ओके ये रहा कोड, 1 2 3 4 ये पीछे, और अभी देखते हैं, ये रहा एनर्जी, ये रहा, ये फिर से जिराफ आ गया। ओ भाई ये क्या गंदा चीज है भाई, ये लीच लग रहा है, ये लीच है ये तो, छी यार, ये है लॉस्ट वैक्यूम, ये है ये है सील, ये है रॉकअप, ये है एरोन, ये है रोयलू, और ये भाई ओके चमकता गू निकला, ये लिटरली चमकीला गू है, ये कॉमन कार्ड है और ये चमकीला गू है, और इसके नीचे स्टार वाला है। ठीक है, अपने को इतने देर तक बहुत अच्छे अच्छे कार्ड मिले, अभी थोड़े से गू कार्ड मिलेंगे तो चलता है, कोई बात नहीं, थोड़े गू कार्ड चलते हैं। ऑलराइट गाइस, अगला सेट, इसके अंदर पहले कोड, और फिर 1 2 3 4 ये जाएगा पीछे, और अभी सबसे पहले एनर्जी, दूसरा ग्रेट बॉल, फिर तीसरा ग्लूम, अरे यार ग्लूम बड़ा क्यूट सा पोकेमॉन था पहले यार, और फ्रेंड्स इन सीनो, ओके ये फ्रेंड्स है, ये है पोकी बॉल, ये रहा कॉर्पिश, ये रहा ऑडिश, ये है सील, ये है क्रिकोट, ये सीरियसली मेरे को लिटरली एक चमकीला एनर्जी कार्ड मिला भाई, क्या किसी को कभी चमकीला एनर्जी कार्ड मिला है, क्या नसीब खराब है। और उसके पीछे यहाँ पर एक हीलियोलिस्क है, ये कैसे पढ़ते हैं इसको, हीलियोलिस्क, ओके चलो यार कोई बात नहीं, अपने पास अभी आखिरी पैकेट बचा है, और होपफुली ये आखिरी पैकेट से कुछ बहुत खतरनाक निकले तो यार मजा आ जाएगा। गाइस मेरे को लगा था ये चमकीला गू कार्ड है, बट अभी मैं देख रहा हूँ तो ये जो है ना, ये एक अल्ट्रा रेयर कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर है, और ये एक अल्ट्रा रेयर कार्ड है, और मैंने इसको गू सोच के साइड में कर दिया था, यहाँ पर लिटरली अल्ट्रा रेयर कार्ड लिखा हुआ इस पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी समय आ चुका है अपना सबसे आखिरी पैकेट खोलने का, और होपफुली इससे कुछ बहुत खतरनाक निकले यार, प्लीज प्लीज कुछ अच्छा निकल जाए इससे। ऑलराइट प्लीज इससे कुछ अच्छा निकल जा। ओके एनर्जी कार्ड, लूना स्टोन, क्रोकोरोक, एनर्जी स्विच, रियोलू, स्टारली, साइथर, एक पोकेबॉल, यंगूस, और यहाँ पे निकला जरूडे एक स्टार वाला, बट गाइस इसके नीचे मुझे काला काला कार्ड दिख रहा है। कोटिया तेरे क्या लग रहा है, कुछ खतरनाक कार्ड होगा? ओके गाइस इन 3 2 1 ओ ये रहा एक ब्लू भाई, ये कार्ड बहुत मस्त दिख रहा है, आई डोंट नो ये कार्ड कौन सा है। ओ ये रहा वो कार्ड, अबे यार ये तो बस एक नॉर्मल सा रेयर कार्ड है, छी बे हंस क्या रहा है तू, बड़े कार्ड कितना मस्त दिख रहा है यार, ये कार्ड बहुत अच्छा दिख रहा है, ये यार रेयर कार्ड नहीं हो सकता यार, इसको ऐसा अल्ट्रा खतरनाक एपिक रेयर कार्ड करो यार। सो ऑलराइट गाइस, ये रहे वो सारे खतरनाक से कार्ड जो यहाँ पे इस पैकेट से निकले, और इनमें से अगर मैं मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट कार्ड्स की बात करूं तो वो एक तो ये है क्योंकि इसमें साइंड अच्छा दिख रहा है, दूसरा है चारिज़ार्ड, तीसरा है ये पिकाचू, चौथा है ये वाला, पांचवा है ये वाला, और ये रेडियंट चारिज़ार्ड, और ये आई थिंक प्रोमो कार्ड, और फाइनली ये म्यू। गाइस ये वाले सारे कार्ड्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, पता नहीं मुझे कार्ड्स का वर्थ क्या है, पता नहीं कार्ड्स की रेयरिटी कितनी है, बट यार ये कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रहे हैं, तो ये कार्ड्स मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, कौन से दिख बहुत अच्छे रहे।
सो गाइस ये थे अपने सारे के सारे पोकेमोन टॉयज जो आपने ऑर्डर किए थे, और ये कार्ड से तो मेरे को बहुत ही अच्छे वाले चीजें दिखे। मेरे को पता नहीं इनका कॉस्ट क्या है, अगर तुम लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या ये चीजें एक्सपेंसिव है कि नहीं है, क्या मुझे अच्छे चीजें मिले कि नहीं मिले। और इसी के साथ गाइस आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो देख के मजा आने को लाइक करो, चैनल पर अगर नहीं हो सब्सक्राइब करो, और तुमसे मिलता हूं मैं अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।